इंटरनेशनल मार्केट्स में काम करना है तो मार्केट सिलेक्शन तो करना पड़ेगा, इसी मार्केट में कुछ बेचना है तो प्रोडक्ट सिलेक्शन भी करना पड़ेगा, ये सब तो ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि उन मार्केट्स में लॉन्ग टाइम काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और वो है उन मार्केट्स को डिटेल में जानना पड़ेगा, उनकी एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। कैसे बनती है इंटरनेशनल मार्केट की रिपोर्ट, जानने के लिए देखिए ये वीडियो अंत तक, और अंत में कुछ और बात भी करेंगे जिससे ट्रेड शुरू हो सकता है, तो देखते रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डिजिटल एक्सिम मित्र कवित अश्विन शाह, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड एक्सिम की दुनिया का मार्गदर्शक। दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दुनिया में काम करने के लिए हमारे पास अच्छा मार्केट होना चाहिए, एक ऐसा मार्केट जहां पर हम हमारा दिल खोल के काम कर सके और हम जितना सप्लाई कर सके उससे कहीं ज्यादा डिमांड हो। ये एक सपना हर एक ट्रेडर देखता है, पर इंटरनेशनल ट्रेडर्स का ये सपना जरूर पूरा होता है। अब कौन से मार्केट में काम करना है, हम लोग ने डिसाइड तो किया 3 प्रोडक्ट में काम करना है, हमने ये भी डिसाइड किया कि हर प्रोडक्ट के लिए 5 मार्केट होना चाहिए, पर उस मार्केट के बारे में क्या क्या जानकारी हमारे पास होनी चाहिए ये हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हमें उस मार्केट के फिजिकल इंफॉर्मेशन, पॉइंट नंबर 1, फिजिकल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी देश हमने सिलेक्ट किया है वो देश ऐसा देश हो जिसके बारे में हम पूरा फिजिकल इंफॉर्मेशन ले लें। नंबर 1, फिजिकल इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है, तो भैया उसका वर्ल्ड मैप में लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, कहां पे पूरे वर्ल्ड में उसकी लोकेशन है। नंबर 2, हम उसके लोकेशन के साथ साथ ये देखें उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, वहां पे टाइम जोन क्या चलता है, जीएमटी से टाइम जोन कितना अलग है, इंडिया से टाइम जोन कितना अलग है। नंबर 3, उसके साथ साथ हम ये देखें कि उसके आसपास के देश कौन से हैं, वहां पे नजदीकी पानी का रास्ता कौन सा है, वहां पे रेगुलर सी रूट है, एयर है, या रेगुलर एयर रूट है, या इंटरनल रेल है, या इंटरनल रोड्स कनेक्टिविटी है, ये सब कुछ देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके आप उस लोगों को अपना माल पहुंचा पाओगे, उस देश के लोगों तक अपना माल पहुंचा पाओगे। कंट्री का फिजिकल एस्पेक्ट आपने देख लिया, अब साथ ही साथ आपको देखना है नेक्स्ट कंट्री का पॉलिटिकल एस्पेक्ट। सो पॉइंट नंबर 1 था फिजिकल एस्पेक्ट, अब पॉइंट नंबर 2 की बारी, पॉलिटिकल एस्पेक्ट। दोस्तों, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो समझने उसकी शुरुआत मैं हमेशा करता हूं कि पहले उसके फ्लैग को समझो। ये फ्लैग रिलीजियस बेसिस पे है, पेट्रियोटिक बेसिस पे है, साइंटिफिक बेसिस पे है, क्या रीजन है ये फ्लैग का, या कोई हिस्टोरिकल रीजन है। फ्लैग के बाद मैं समझने की कोशिश करता हूं कि वहां की सरकार कैसी है, क्या ये डेमोक्रेटिक सरकार है, क्या ये तानाशाही है यानी डिक्टेटर टाइप है, या वहां पे मोनार्की है, राजाशाही है, ये देखना जरूरी है तो हमें पता चले कि वहां पे काम किस तरह से हो सकता है। फिर ये देखना है कि वहां की गवर्नमेंट में लेयर्स कितने हैं, डिविजन्स कितने हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें एनालाइज करना, ये नॉलेज रखना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि काम तो यार कोई भी कर लेता है, पर जो नॉलेज के साथ काम करता है ना वो रास्ते निकालता है, जुगाड़ के वो सॉल्यूशंस निकालता है। जैसे कि मैं आज आपका डिजिटल एक्सिम मित्र यहाँ पर बैठा है तो जुगाड़ कर करके ही बैठा है, मेरे लिए किसी ने राजगद्दी तैयार नहीं रखी थी, बस सारा नॉलेज लिया, जुगाड़ किया, आगे बढ़ गए, आपको भी ले जाएंगे, चिंता मत करो। तो सिंपल सी बात है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट आपके लिए रेडी होने चाहिए सारे, और उसको रिपोर्ट में ऐड करने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिकल एस्पेक्ट यानी फाइनेंशियल एस्पेक्ट, कौन सी करेंसी चलती है, वो इंडिया के कन्वर्जन के क्या अगेंस्ट है, उसका डॉलर के अगेंस्ट में क्या कन्वर्जन रेट है, उस करेंसी का एक्चुअल स्टेबिलिटी कितना है, कंट्री इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है या फिर पाकिस्तान के जैसे वो भी जिंदा रहती है भीख पे, वो हमें देखना जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी हमें ये देखना है कि जो भी ये कंट्री है, ये कंट्री ट्रेड में कौन से प्रोडक्ट्स में एक्चुअली सबसे ज्यादा काम करती है। देखो इसका फायदा किस तरह से होगा, ध्यान से देखना इस रिपोर्ट का। आप अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट ढूंढ रहे हो तो वो प्रोडक्ट में तो काम कर रही, इसलिए आपने उसको मार्केट के तौर पे सिलेक्ट किया है, पर साथ ही साथ ये देखना है कि भैया और कौन से प्रोडक्ट में वो कंट्री काम कर रही है मैक्सिमम लेवल पे, ताकि आप और कोई प्रोडक्ट भी शायद ऐड कर सको फ्यूचर में, तुरंत नहीं करना है, फ्यूचर में ऐड कर सको, या उसका एटलीस्ट अभी के लिए मार्केटिंग करके देखो तो क्या पता मल्टीपल ऑर्डर्स आ जाए। ये सारे स्टेप्स, ये साइड के स्टेप्स है जो मैं सबके पास करवाता हूं ताकि आपका बिजनेस रोटेशन में चालू रहे। अब इसके लिए हमें क्या है कि एक ये रिपोर्ट की जो मैं बात कर रहा हूं उसमें नेक्स्ट एस्पेक्ट आ जाता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसका खरीदार वर्ग यानी कि आपका टारगेट पॉपुलेशन कितना है।
कंट्री का पॉपुलेशन वो सब तो हमने पहले ही बना लिया है जब मार्केट रिपोर्ट बना रहे थे, जब मार्केट का फाइनलाइजेशन कर रहे थे। पर अभी जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट का जो खरीददार वर्ग है, टारगेट पॉपुलेशन कौन सा है, यानी आपके प्रोडक्ट कंज्यूमर्स, एंड कंज्यूमर कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है, रिटेलर्स कितने हैं और इंपोर्टर्स कितने हैं। इंपोर्टर्स का डेटा निकालना बहुत जरूरी। देखो दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा। डेटा का इंपॉर्टेंस बहुत ध्यान से समझना। ये डेटा कहीं से भी अगर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते तो मैं हूं ना, क्यों चिंता कर रहा हूं, मैं निकाल लूंगा आपके पास, हम बहुत रास्ते हैं। पर ये डेटा के बिना आपका काम बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ये डेटा आ जाएगा तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। पूरा इंडस्ट्री का डेटा वहां पे निकालो और उनके साथ डायरेक्टली काम करना चालू करो। रिपोर्ट में इतने एस्पेक्ट के अलावा और भी बहुत सारे एस्पेक्ट है, उन एस्पेक्ट्स को अगर हम ओवरसी में थोड़ा सा समरी में अगर देखें तो रिपोर्ट में आपको यह भी देखना है कि वहां पर एक्चुअल जीडीपी कितना है, लोगों की परचेसिंग पावर कितनी है। फिर ये देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितने, यानी कि इंटरनल कॉम्पिटिशन कितना है। फिर ये देखना है कि वहां पे मार्केट में प्राइसिंग क्या चल रहा है आपके प्रोडक्ट को लेकर। इतनी चीजें, इसके अलावा और भी थोड़ी सी और चीजें है, वो सभी चीजों का ध्यान रख के अगर प्रॉपर डिटेल्ड मार्केट रिपोर्ट बनाया तो आप उस मार्केट में छा जाओगे। अब मैं बात करता हूं कि काम के साथ साथ फन, फन के साथ साथ काम। इंटरनेशनल बिजनेस करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आप एक इंटरनेशनल ट्रैवलर बन सकते हो। मेरा तो भाई सपना है कि इस वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज है उसमें से एटलीस्ट 80% कंट्रीज का स्टैंप मेरे पासपोर्ट पे लग जाए। सपना बहुत बड़ा है, समय बहुत कम है जीवन में, काम बहुत सारे हैं, पर अगर ये सपना अचीव करना है तो उन सभी देशों में काम करना पड़ेगा, क्योंकि काम करते करते अगर घूम रहे, स्टैंप लग रहा है तो क्या फायदा है, मजा आया है फिर। उसी तरह से आप लोगों को अपना स्टैंप अगर लगवाना है पासपोर्ट पे अलग अलग कंट्रीज का, तो इंटरनेशनल बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। हम लोग कैसे हमारे क्लाइंट्स को भेजते हैं, मान लीजिए कि किसी क्लाइंट का टारगेट मार्केट है पोलैंड, तो अब हम उसको सबसे पहले बोलते हैं कि आप अपने उस कंट्री के जितने भी अभी तक की इंक्वायरीज है उन सबके साथ मीटिंग अरेंज कीजिए। फिर हम उनको एक्स्ट्रा मीटिंग्स कैसे अरेंज करते हैं वो सिखाते हैं। फिर हम उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग अरेंज करवाते हैं। उसके बाद वो पूरा स्केड्यूल बनवाते हैं और उसके बाद घूमने का 5 दिन एक्स्ट्रा रखते हैं, क्योंकि मेन खर्चा तो आने जाने का होता है, वो तो बिजनेस को अलोकेट कर देंगे। अब जो घूमने का खर्चा है वो ज्यादा से ज्यादा इधर से उधर ट्रैवल का कॉस्ट आएगा, थोड़ा बहुत खाने पीने का खर्चा आएगा, होटल स्टे का खर्चा आएगा, बेसिक सा, तो और वो सारा कॉस्ट हमें इनटू मल्टीप्लाई बाय 3 करके बिजनेस से रिकवर करना है। तो मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो साल में 12 ट्रिप मारते हैं, एक साल में 12 ट्रिप बिजनेस ट्रिप के नाम पे, एक साल में 12 कंट्री घूम के आते हैं और पैसा भी कमा के आते हैं। 12 की 12 में पैसा नहीं कमाते, पर वो 5-6 में उतना पैसा कमा लेते कि बाकी के 6 का ट्रिप उनको फ्री हो जाए तो भी प्रॉफिट खूब सारा बचता है। लोकल बिजनेस से ज्यादा बचता है, यानी इंटरनेशनल घूमते रहो, प्रॉफिट करते रहो, पैसा कमाते रहो और अपने पासपोर्ट पे अलग अलग देशों के वीजा लगवाते रहो। और ये करते करते एक अगले लेवल पे खुद के स्टेटस को लेकर जाओ। दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस इतनी सारी अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है। मैं KTDMB का ग्रुप को बिलोंग करता हूँ जो 1987 से यही काम कर रहा है, एक ही काम, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। हम लोग खुद का एक्सपोर्ट भी करते हैं तो हम लोगों के पास करवाते भी है और ये सारा नॉलेज फ्री में देते हैं, इसलिए देते हैं ताकि लोग खुद करें। हम महीने में केवल 30 लोगों के साथ जुड़ते हैं और वो 30 लोग हमारे साथ सामने से आते हैं, एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास हम पूरा ट्रेड करवाते हैं, एंड टू एंड, स्टार्ट टू एंड पूरा ट्रेड करवाते हैं, और वो ट्रेड करवाते उनको इंटरनेशनल घूमने भी भेज देते हैं और साथ साथ में पैसा भी कमा के आते हैं। ऐसा नहीं है घूमने जाते, अगर घूमने जाओ तो पैसा कमा के आओ। अगर यही चीज आपको भी करनी है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने डाउट्स कमेंट करो और फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। नेक्स्ट मैं वीडियो एक ऐसा तड़कता फड़कता बनाने वाला हूं कि अगर दूसरे देश में जाके आप सेटल होना चाहते हो तो यहां से कोई स्टूडेंट वीजा नहीं, कोई वर्क परमिट नहीं, ऐसा बिजनेस सेटअप करवाऊंगा कि उस देश के जो एम्बेसी वाले ना सामने से आपको लेने आएंगे एयरपोर्ट पे। ऐसा काम करना है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, हमारे साथ जुड़ो और इंटरनेशनल बिजनेसमैन बनो। तो मेरे साथ, आई विल मेक यू डिजिटल, आई विल टेक यू ग्लोबल। जय हिंद।